तो यार दिस वॉज हर कलेक्शन, छोटा सा एज शी सेज। तो या हेलो, अब तक आपने देखा वर्षिका का शू कलेक्शन और अब आप देखेंगे उसकी मॉम का शू कलेक्शन। हाय गाइस, सो यू जस्ट मेट माय मॉम और ये है उनका छोटा सा शू कलेक्शन, छोटा सा। तो देखते हैं, हम शू करते हैं शूज से। तो सबसे इधर आते हैं तो ये वाले पीच कलर के शूज है फ्रॉम रिबॉक, जो कि बेसिकली उनके वॉकिंग शूज हैं। थोड़ी सी हालत खराब हो चुकी है क्योंकि शी गोज टू वॉक, सो यूज मोस्टली ये होते हैं या फिर ये होते हैं जो कि स्केचर्स से है। इनके बारे में अभी बात करते हैं, पर ये तो रिबॉक के ही, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, डिजाइन थोड़ा अच्छा था। मूविंग ऑन, अभी मैंने आपको इन स्केचर्स के शूज के बारे में बताया जो कि ग्रे और पिंक कलर के हैं। इनमें लेसेस टाइप वाले नहीं है, इलास्टिक वाले हैं, तो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, इजीली पहने जाते हैं। और ये आई गेस 5000 कुछ के थे आफ्टर डिस्काउंट, तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। इनका फोमी सोल है जिसमें अगर आप पुश करते हैं तो वो अंदर यू नो थोड़ा प्रेस हो जाता है। तो मूविंग ऑन, ये बेली आई डोंट नो, वैसे तो आगे रखी होनी चाहिए थी, पर यहाँ पे एक है सिंपल गर्मियों के लिए नेट वाली बेली, बिकॉज इनमें थोड़ा वेंटिलेशन रहता है। नेक्स्ट है ये नियॉन शूज, ऑयल शूज जो कि आजियो से है, यू कैन सी द टैग। एंड इनका ग्रिप थोड़ा अच्छा है क्योंकि आई गेस फुटबॉल शूज भी कहते हैं इन्हें। हम बात कर रहे थे इन शूज के बारे में एंड आई एम जस्ट रियलाइजिंग कि आई गेस मम्मा के पास ऑरेंज शूज काफी है, एंड फन फैक्ट इज कि उन्हें नियॉन कलर ज्यादा पसंद नहीं है और ये तब ये हाल है। तो मूविंग ऑन, इधर आते हैं और स्टार्ट करते हैं फिर इन वाले शूज से जो कि फ्रॉम कूस। ये आई गेस ज्यादा पहने नहीं है इसलिए इतनी ठीक कंडीशन में है, बट ऐसा कुछ खास प्रिंट भी नहीं है इन पे, आई गेस बटरफ्लाईज वगैरह ही बनी हुई है, बट सिंपल शूज है ये, वॉकिंग वेयर के लिए कंफर्टेबल ज्यादा नहीं है, इनका सोल बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है, बट आई गेस दीज वर ऑन डिस्काउंट। मूविंग ऑन, ये है नेक्स्ट वॉकिंग और रनिंग शूज, इन्हें आप कह सकते हैं, और ये दीज वर फ्रॉम लिबर्टी, और ये अगेन नियॉन ऑरेंज कलर के हैं। इनका सोल इज ओकेश, मतलब जितना कंफर्टेबल स्केचर्स का होता है उतना तो नहीं है। तो नेक्स्ट है ये रिबॉक के येलो शूज, अगेन फॉर वॉकिंग रीजंस, क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, ज्यादा सॉफ्ट सोल इनका भी नहीं है, आई मीन स्केचर्स सबसे अच्छे माने ही जाते हैं वॉकिंग वगैरह के लिए, बट दीज आर गुड टू। कमिंग टू द सेकेंड लेन, जिनके बारे में, स्केचर्स के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगेन वहां पे एक और ऑरेंज नियॉन कलर के शूज हैं जो कि रिबॉक से हैं। अगेन ये आई गेस मैंने फ्लिपकार्ट से लिए थे इन सेल। फिर है ये ब्रांड न्यू व्हाइट कलर के शूज, जो इसमें रेड और येलो कलर के ब्लॉक पैटर्न कह सकते हैं, बहुत ही व्हाइट है, व्हाइट ऑल दो बहुत रिस्की लगता है कि इजिली गंदा हो जाता है, बट ये लेटेस्ट एडिशन है फ्रॉम सरोजनी नगर और ये शायद 350 में मिल गए थे, विच इज सच अ स्टील बिकॉज ये कंफर्टेबल है और बहुत ही सुंदर है, लेटेस्ट है, आजकल ये पैटर्न बहुत चल रहा है और व्हाइट तो हर चीज के साथ जाता ही है। मूविंग ऑन, ये है सिंपल रेड बेलीज डेली वेयर के लिए, तो ऐसा कुछ खास है नहीं, बट इनका डिजाइन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि स्टिचिंग आप देख रहे हैं कैसी है। तो नेक्स्ट है अगेन रेडिश ऑरेंजिश टाइप ऑफ सैंडल्स, ये बाटा से है आई गेस। तो या ये उन्हें कुछ खास कंफर्टेबल नहीं लगते हैं क्योंकि शी सेट की ये बाइट करते हैं पीछे से, बट अब तो आ चुके हैं। नेक्स्ट है, बीच में अगर आपको याद हो तो बहुत ज्यादा लोफर्स चले थे डेनम टाइप के, बट ये डेनम में नहीं है, ये थोड़े वो स्टड्स वाले हैं जो कि हर पैटर्न में चले थे, लाइक डेनम आई जस्ट टोल्ड यू, स्टड्स वाले भी चले थे, मेरे पास भी ऐसे व्हाइट कलर के हैं, बट मेरे में सोल थोड़ी थिक है ऑल्सो, तो ये कंफर्टेबल रहते हैं। मूविंग ऑन टू द लास्ट एडिशन, लास्ट लाइन, एंड द प्रिटीएस्ट शू जो कि मॉम को जबरदस्ती दीदी और मैंने दिलवाया था, शी वॉज लाइक कि ये कैसे लगेंगे, बट ये बहुत ही प्रिटी है, हर कोई कॉम्प्लीमेंट करता है जब भी पहनती है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ये ही शूज रहते हैं हर फंक्शन में, बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल गए थे आई गेस 800 और 900 में, विच इज सच अ स्टील, बहुत ही प्रिटी रोजेज हैं, काफी बार पहन लिया है, कुछ इसकी लीफ वगैरह कुछ नहीं निकली है, कुछ लूज नहीं हुआ है, सो इट वॉज एन अमेजिंग बाय। सो अनदर लेटेस्ट एडिशन है ये स्टेलेटोस से, ये हील्स जो कि डिस्काउंट में मिल गई थी आई गेस ये 1500-1600 समथिंग ही थी, और ये हम शायद 699 या 599 में लेकर आए थे, लेट मी सी, या वी बॉट इन 899 आई गेस,
तो बहुत ही प्रिटी क्रिस्टल्स लगे हुए हैं इसमें, तो पार्टी वेयर के लिए बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है ये नेल से शूज, शायद हमने फ्लिपकार्ट वगैरह से मंगाए थे। नेल के शूज अब शायद आने भी बंद हो गए हैं, बट उस टाइम ये बहुत अच्छे मिल गए थे। काफी टाइम हो गया है ना आए हुए, बट बहुत ही प्रिटी रॉयल ब्लू कलर है और हमेशा पार्टी वेयर में तो इससे मेरी थोड़े चलते ही है। सो मूविंग ऑन, माई मॉम इज अ टीचर तो उनके लिए थोड़े बेसिक भी नेसेसरी होते हैं, तो ये बेसिक नेवी ब्लू कलर की थोड़ी छोटी वाली हील्स हैं, थोड़ी अभी गंदी हैं, बट या मतलब बेसिकली सूट्स वगैरह साथ ये ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि कंफर्टेबल भी चाहिए, कम हील भी चाहिए और थोड़े फॉर्मल भी चाहिए। नेक्स्ट है ये वेलवेट टेक्सचर में जो सैंडल्स हैं विद अ लिटिल हील, ब्लॉक हील्स, ये शायद रिलायंस से ली थी उन्होंने विद इन सच अ अफोर्डेबल प्राइस, और ये बहुत ही यूनिक है क्योंकि इन पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा ग्लिटर वाला भी है, एंड दीज लुक सो एलिगेंट। नेक्स्ट है ये लाइफस्टाइल स्टोर से ली थी, एंड ये सिंपल फॉर्मल ब्लैक बेलीज है, नथिंग सो स्पेशल अबाउट दीज। मूविंग ऑन, ये है रबर मटेरियल के शूज विच वी डू नॉट नो वाई वी बॉट दीज, बट ये आज तक आई गेस ज्यादा किसी ने पहने नहीं है बिकॉज दीज आर नॉट वेरी कम्फर्टेबल एंड लिटिल टाइट टू माई मॉम, तो बट या इस हमने शायद बहुत पहले स्नैपडील और फ्लिपकार्ट से लिए थे और तब से ऐसे ही रखे हैं। सो यस्टरडे शी बॉट दीज लेटेस्ट कैमल कलर न्यूड हील्स, नॉट हील्स, बेलीज ऑब्वियसली, एंड में आगे ये वो बनी हुई है शिफॉन से कपड़े की विच लुक सो क्यूट एंड एलिगेंट, एंड ये शी बॉट फ्रॉम रिलायंस ट्रेंड्स अगेन। तो यार दिस वॉज हर कलेक्शन, छोटा सा एज शी सेज। तो या आई होप यू एंजॉयड इट, और आपको जो भी फेवरेट लगा हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो, टिल देन बाय बाय।